ऑफ कोर्स रोहित सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कमाल बहुत से लोग आते हैं रोहित सर आपके ऑफिस के नीचे, आई एम श्योर, बिकॉज उनको भी यू नो उस जगह तक पहुंचना है, उस डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट होना है। अभी यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री, अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इफ यू टॉक अबाउट दैट, एक हो गई है, राइट? वो लाइंस अब ब्लर्ड हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। यहाँ पे व्हेन यू हैव कम टू शो योर लव, दैट एक्नॉलेजमेंट फॉर दिस अमेजिंग टीम, जो कि सिर्फ एक पंजाबी फिल्म नहीं बल्कि एक इंडियन फिल्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाने आई है, हाउ प्राउड आर यू? ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड, एंड मैं मानता ही नहीं, हमने कभी नहीं माना है कि भाषा की वजह से फिल्म का डिविजन हो सकता है। फिल्म फिल्म है, फिल्म का इमोशन किसी भी लैंग्वेज में आपको आपके दिल को छू सकता है। एंड अरे वो डंडी नीचे करो, डंडी नीचे करो, मोबाइल की रिपोर्ट रिपोर्ट करो भाई, सर का रिफ्लेक्शन आ रहा है। सर ऊपर सामने बालकनी में थैंक यू सो मच। एंड वी नो दैट रोहित सर इज अ बिजी मैन, ऑफ कोर्स उन्हें कहीं पहुंचना है, सो रोहित सर अभी यहां से यू नो विदा लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर रोहित सर आने के लिए, एंड सबका प्यार और ये एक्नॉलेजमेंट जो है इसको मोर यूनिवर्सल, मोर एंड मोर रेलेवेंट, और जो जो टॉपिक है वो हर एक के दिल को छू रहा है। एंड मेरा सवाल यहाँ पे सबसे एक बनता है कि सी इन गुरबानी इट इज सेड कि नो तेरा पाणा मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक माने, बट जदों भी कुछ तकलीफ होती तो अरदास बहुत ताकत होती, इट इज सेड दैट सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। अस तुसा सारे कोलो एक सवाल यह बनता है, कदे थोड़ी लाइफ ये जो होया कि जदों तुसा अरदास की ताकत, सही ताकत का तुहानू पता लगे, मतलब हो सकता है कि असा दुख तकलीफा बहुत होंगे, बट एट दैट टाइम वी प्रेड और अरदास की ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਦਿਲ ਸੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੇ ਲੱਗਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, और मैंने फिल्म बनाई। उसके बाद हमने ये टाइटल डिसाइड किया, फिल्म बनने के बाद इस फिल्म का टाइटल अरदास होगा। और वो मेरी अरदास तो मैंने पहले जैसे बताया कि ये अरदास तो सीधी है कि विदाउट वायर सीधा कॉर्डलेस सुपर तक जाता है, तो वैसे ही गई। तो आज थर्ड फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी बनी है और इतनी बड़ा रिलीज हो रहा है, हम सब लोग बैठे हैं इसके ट्रेलर लॉन्च पे, और मेरे साथ तो हो चुका है जी। डूगी पाजी तो सी जी सर, देखिए मेरे लिए अरदास का थोड़ा डिफरेंट माने हैं। मैं अरदास को और डिमांड्स इन दोनों को अलग से देखता हूँ। हम भगवान के पास डिमांड्स लेके जाते हैं तो वो आपकी याचना प्रेयर प्रार्थना नहीं है, वो डिमांड्स है, है ना? हाँ, उनको फुलफिल कर पाओ आप, उसके लिए उससे पावर लेने जाना, उससे क्षमता लेने जाना, उससे वो मांगना कि मुझे इतने लायक कर दे कि ये चीज़ मैं हासिल कर पाऊँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर मेरे फादर साहब की एज अगर 100 साल हो चुकी है तो अब मैं कहूं कि इनको बिल्कुल अरदास करूं जाके कि बिल्कुल ठीक ठाक कर दे, डैडी फिर से भागने लगे तो वो नहीं होगा। तो मुझे भी पता होना चाहिए मैं कौन सी चीज़ मांग रहा हूं, मेरी डिमांड क्या है। तो वो फिर उसी लाइन पर आता हूँ मैं कि पर्सनली मैंने भगवान से कभी ऐसा कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये दे देना वो दे देना, उसको मैंने कभी डिपो नहीं समझा कि वो जाके राशन कार्ड लेके जाऊंगा, ये राशन लेके आ जाऊंगा। लेकिन जब भी मांगा है तो ये जो एक लाइन है सरबत दे पले दी, वो मेरे लिए सबसे पहले होती है। तो मैं जाके कहता हूँ सबको खुश रखना, भगवान सबका भला करना, सबको इतने लायक कर दो कि कोई रात को भूखा ना सोए, और सबको इतने लायक कर दो कि वो अपने घर में खुशी की आवाज बच्चों को हंसते हुए सुन सके। इससे ज्यादा बड़ी दुआ कोई नहीं होती। आपके घर में आपको अपने बच्चों की अगर हंसने की आवाज आती है ना, तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं। क्या बात है जैस्मिन, यू आर टू प्लीज ऐड करो द पावर ऑफ अरदास। जी मैं इतनी बैठी हूं, वही पावर ऑफ अरदास है, बिकॉज़
आपको किसी भी कीमत पे करना ही है, करना ही है. और ऑनेस्टली 4 साल से जब से मैंने अपने आप को टेलीविजन ब्रेक दिया, मेरी दिन रात यही अरदासें चल रही थी कि मैं कब अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखूं. और आज उसी का रिजल्ट है. थैंक यू सो मच. और आगे भी मुझे लगता है मेरी जैसी लाइफ रही है कोटा से यहाँ तक आना, मुझे लगता है वाइब्रू जी ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाया. और बचपन में मम्मी अरदास का कॉन्सेप्ट सिखा देती है कि जो भी मांगना है उनसे मांगो, अरदास करो, वो सुनते हैं. ट्रस्ट मी, सुनते हैं. मैं यहाँ बैठी हूँ, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वो सुनते हैं. क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी खूबसूरत या अमेजिंग दिखने वाली लड़की नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं. अभी तक आई हैव नॉट गॉटन दैट वैलिडेशन, दैट रिकग्निशन, ओ माई गॉड वॉट अ परफॉर्मर. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे शायद ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं मिला. बट उसके बावजूद जो भी मैं एफर्ट्स करती रहती हूँ, मुझ जैसी बहुत लड़कियां हैं, मैं यहाँ हूँ, वो अरदासों का रिजल्ट ही है. जैस्मीन नू लगता है इहो जी उह है नी. अच्छा एक बात और मैं बताऊं कि इस फिल्म में थोड़े से पैसे जैस्मीन के भी लगे हुए हैं, क्योंकि हम कोटा में शूट कर रहे थे तो ये वही की है. तो एक दिन इसकी फैमिली ने बोला कि हम घर से खाना बना के लेके आएंगे. उनका खाना हमें इतना अच्छा लगा, फिर हमने 4-5 दिन प्रोडक्शन का खाना उन्हीं से मंगवाया. मैं लेके आओ आप. बहुत स्पेशल है. सोचो एक फिल्म जो मैंने अपने होम टाउन में शूट करी. कोटा में कितनी फिल्में सुनने को मिलती है, मतलब मुझे ऐसा लगा मुझ पे कुछ बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है. ऑनेस्टली ये फिल्म बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स है. सोचेंगे यार ये इसने क्या बनाया है, ये मेरी थॉट है. क्या बताओ, वो यही सोच रहे हैं यार इसने इतनी चीज में भी ये अच्छी चीज बनाई है. सो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए आगे बढ़ने के लिए भी. तो मेरी फिल्म हमेशा ये मोटिवेशनल फिल्म है, आपको मोटिवेट करती है कि आप आगे बढ़ो. तो मुझे खुद को अच्छा लगता है ये फिल्म बना. ज्योति जी, माय क्वेश्चन इज टू यू आल्सो, लाइक कांग्रेचुलेशन टू मंगत जी, आपको भी और ज्योति जी को. क्योंकि आप मानते हैं कि लाइक यू फील समटाइम्स ब्लेस्ड, लाइक सम थिंग्स हैपन एट योर हैंड्स. इन फैक्ट लाइक यू नो कि जैसे किपी जी ने लोगों की अच्छाई, इंसान जो होता है हर एक में अच्छाई तो होती है, लेकिन वो थोड़ा टटोलने की जरूरत होती है और उसको थोड़ी जगाने की जरूरत होती है. तो डू यू फील लाइक दिस पर्टिकुलर, एंड यू हैव बीन लाइक डूइंग लॉट्स ऑफ रीजनल फिल्म आल्सो, तो हाउ ब्लेस आल्सो यू फील? एंड यू नो कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है अपने हाथों से भी, ऐसे लगता है, तो उस पर आप क्या कहोगे? डेफिनेटली सी अरदास फॉर मी, यू नो फेथ is hope, faith is positivity. I'm a living example of that. I got polio when I was a 6-month-old baby. And I got polio because of the anti-polio vaccine. तो मुझे वो वैक्सीन दिया गया, मैं 6 महीने की बच्ची थी और मुझे पोलियो हो गया. तो ऐसे किसी बच्चे की लाइफ में हो सकता है कि लाइफ खत्म, कि यू नो दिस इज इट, अभी आप साइड हो जाओ. यू नो बड़ा भाई है, माँ बाप ये भी कर सकते थे कि बड़ा भाई है, अभी उस पर फोकस करो, अभी उसको साइड कर दो. आई वॉज वेरी ब्लेस्ड. मेरे फादर जो अभी नहीं है, वो बहुत ही ब्रिलियंट मैन थे. हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, बहुत ही गरीब थे, बट उन्होंने एक स्पिरिट के साथ जो हमें जीना सिखाया, हम बचपन से भगवद गीता, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ बड़े हुए. बट एक फेथ थी, एक सेल्फ बिलीफ थी, एक पॉजिटिविटी थी. तो वो छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आज मैं यहाँ बैठी. सो आई एम द बिगेस्ट बिलीवर ऑफ अरदास. टीजर और ट्रेलर बहुत प्यारा है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी आज यहाँ पर दिखाई गई सादगी हमें फिल्म की ओर लेकर जा रही है. तो बहुत अच्छा लगा आप सभी साथ यहाँ पर बात करके. मेरा सवाल ज्योति मैम आपसे है, आप ढेर सारी फिल्म इस बार लेकर आ रही है एज ए प्रोड्यूसर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बार अरदास से जुड़ने की कैसी कौन सी खास वजह है जो आपको अरदास के साथ हमेशा जोड़कर रखेगी? सी उन्होंने दो चीज कही व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट. आपको बहुत ही मुबारकबाद, कमाल का डायरेक्शन है, कमाल की एक्टिंग है, इसके ट्रेलर से ही पता लग जाता है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस फिल्म के बाद क्या आपके पास कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं इसी तरीके के, जो आपसे अमन, एकता, भाईचारे का पैगाम देते हुए हों? क्योंकि आज ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि बॉलीवुड भी ऐसी फिल्म बनाए
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज कुछ और प्रोजेक्ट हैं कि जिन पर काम चल रहा है सर? सर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि बॉलीवुड को चाहिए कि ये आज ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि आज सोसाइटी को एक बार फिर से इकट्ठा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा हम लोग बचपन में देखते थे एक चिड़िया अनेक चिड़िया ताना चुगने बैठ गई थी, तो वो टुगेदरनेस का फील आता था ना। आय है चंदा एक वाह वाह तारे अनेक, तो वो अच्छा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने। हम कोशिश करेंगे कि सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती, जैसे ज्योति जी ने भी कहा कि मेरे लिए ये, मैं ज्योति जी दिल से एक चीज के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने जो आज एक चीज हम पे एहसान की है ना, किसी को पता नहीं चला लेकिन चलने वालों को चला है। बार बार आपसे आपकी आने वाली बड़ी पिक्चरों के बारे में पूछा जा रहा है, आपको ये फिक्र था कि इनकी फिल्म छोटी ना लगने लगे, तो मैं इसी की बात करूंगी आज। थैंक यू सो वेरी मच। भाजी मीनिंगफुल शर्मा की बात करें तो आई थिंक दो बड़े टॉप के प्रोड्यूसर्स यहाँ पर हैं, जियो स्टूडियोज की बात करें, पैनोरामा स्टूडियोज की बात करें, हमारे साथ है ना, तो ऐसी पिक्चरें ही बनती रहेंगी। यस सर। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, द को प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मूवी। मुरलीधर चटवानी साहब से शुरुआत करेंगे, संजीव जोशी साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं। माना अरे मोबाइल बेटा नीचे, राजा मेरा कुट्टू मेरा बाबू, अरे बाबू राजा क्या छाप रहे तू? ये छोटा परिवार सुखी परिवार, काश 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 आज छोटा परिवार सर, एक बालकनी बालकनी लो बालकनी लो राजा लेके चले आ रहा है। सेंटर सेंटर